वेलकम टू द इजिनिशन ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बच्चों? आइए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। मेरी क्वेश्चन नंबर 4 तक अपने कर लिए थे, आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या हो रहा है? टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 कि दो नंबर जो किस रेशियो में है? 5:3 के रेशियो में है। इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स? बोला है आपको सबसे पहले नंबर है क्या, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट द नंबर बी x। हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा नंबर है वो क्या है? x है। ठीक है, अब क्या बोला है ये नंबर किस रेशियो में है? 5:3। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो पहला नंबर है वो 5x है और दूसरा नंबर वो क्या है? 3x। ये बोल सकती हूँ ना, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप वैसे लिख लो, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 5x एंड सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 3x। ठीक है, तो आगे हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि एक नंबर है जो किस रेशियो में है? 5:3 के रेशियो में है। और जब उनको हम डिफर करते हैं, डिफर मतलब डिफरेंस यानी तो वो जो गैप है ना वो कितना है? 18 का। इन दो नंबर में जो गैप है वो कितने का है? 18 का। डिफर मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। अब आप क्या करेंगे? 5x माइनस 3x कितना आएगा? 2x इक्वल्स टू 18। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आप क्या, हाँ इधर आप क्या करोगे? 2 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, किसका हो जाएगा? डिवाइड का। और कितना आ जाएगा आपका आंसर? 9। ये तो क्या है अपना? x। लेकिन अपने को पूछा क्या है? फर्स्ट और सेकंड नंबर पूछे हैं। क्या पूछे हैं? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। और अपने को क्या बोला था? जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है वो क्या है? 5x और दूसरा है 3x। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? 5 × 9 और दूसरा 3 × 9। तो पहला नंबर आ जाएगा 45 और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 27। अगर आप इसका माइनस भी करोगे ना तो आपको पता चलेगा इसका आंसर क्या आएगा? 18। समझ में आया बच्चों? ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। कुछ भी नहीं था, आपको बस इक्वेशन बनाना सीखना है इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है? मैंने बोला ना कंसेक्यूटिव में कंटिन्यू नंबर, जैसे x, x plus 1, x plus 2, x plus 3 ऐसे चलता रहेगा, इनको क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर। आपने तो क्वेश्चन क्या बोला है कि अब 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स एड अप टू 51, तो आप क्या करोगे? लेट द नंबर बी x, लेट द कंसेक्यूटिव नंबर्स भी, आप क्या करोगे? तो कंसेक्यूटिव नंबर भी क्या क्या है अपने कंसेक्यूटिव नंबर? x, x plus 1 और x plus 2। तीन नंबर बोले ना, तो अपने तीनों नंबर लिख लिए। आगे अपने को क्या बोला है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। व्हाट आर द इंटीजर्स? कि इन जब तीनों को प्लस करेंगे तो आप क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला है जब आप इन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर को प्लस करोगे, x, x plus 1 और x plus 2, इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 51 आएगा। और फिर पूछा ये इंटीजर है क्या, वो आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे? x, x और x कितना आएगा? 3x और 2 plus 1, 3 equals to 51। अब प्लस का 3 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो क्या लिखोगे? बाय ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, 3x equals to 51 minus 3, तो 3x equals to कितना आएगा? 48। और x equals to आ जाएगा 48 divided by 3, तो आपका आंसर आएगा 16। लेकिन अभी भी अपना आंसर पूरा नहीं हुआ है, आपने वो क्या पूछा था? क्या लिखें? सो x, x plus 1 and x plus 2 are, क्या होगा? x है हमारा 16, x plus 1 है 16 plus 1 और x plus 2 है 16 plus 2। तो अपने आंसर आएंगे जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर पूछे थे ना वो क्या होंगे? 16, 17 and 18। तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6
पिंपल्स बी, क्या क्या होंगे आपको क्या बोला है, कंसेप्ट में नंबर क्या होता है, एक्स एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, तीन कुछ है तीन लिख दो, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, लेकिन अपने को इसका कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं पूछे हैं। इस बार आपको क्या पूछा है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ एट। मल्टीपल ऑफ एट का मतलब बोला है इनके साथ किसका मल्टीप्लाई किया हुआ है, एट का। तो आप क्या बोलोगे, लेट द थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स बी, ये होंगे, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, क्वेश्चन समझते हैं एक बार, कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ एट, इन तीनों का जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ट्रिपल एट, बोले तो 888। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, इनको प्लस करना है, 8 इंटू एक्स 8x प्लस 8x प्लस 1 और प्लस 8x प्लस 2, और इन तीनों को जब मैं प्लस करूंगी तो मैं बोलती हूँ मेरा आंसर कितना आएगा, 888। यहाँ तक बच्चों प्रॉब्लम नहीं है, आगे करते हैं। 8x का 8x, यहाँ पे 8 इंटू एक्स 8x, फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, क्योंकि 8 बाहर है ना, तो इन दोनों के साथ है, वापिस ये भी इन दोनों के साथ है, तो 8 इंटू एक्स 8x और 8 टू जा 16, इक्वल्स टू में आ जाएगा 888। यहाँ तक बच्चों प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं क्या करूंगी, 8x 8x और 8x इन तीनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 24x प्लस 16 प्लस 8 24 इक्वल्स टू 888। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं क्या करूंगी, बाय ट्रांसपोर्टेशन क्या करूंगी, प्लस का 24 इधर आएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का, तो 888 माइनस 24 तो कितना आएगा, 24x इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 864। यहाँ तक बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, अब 24 मल्टीप्लाई में तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, किसमें आएगा, डिवाइड में, अभी ये कट रहा है क्या, अगर मैं इसको टू की टेबल से काटती हूँ, 4 से काट देती हूँ, ठीक है, 4 से काटूंगी तो कितना आएगा, 4 की टेबल में 4 6 जा 24, ये 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, फिर 4 से कट जाएगा, नहीं 4 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 2 से ही कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 की टेबल से काटू, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, अब 2 की टेबल से काटूंगी तो कितना आएगा मेरा आंसर, 36। तो ये क्या आया मेरे पास, x आया है, मेरे को ये नहीं पूछा था इस बार कि इंटीजर कितना आया है, इस बार मुझे क्या पूछा था कि जो मल्टीपल्स है ना 8 के, मुझे वो बताओ, मल्टीपल्स ऑफ 8 पूछे अपने को, ठीक है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 पूछा गया इस बार अपने को क्वेश्चन में, तो आप क्या लिखोगे, 8x 8x प्लस 1 और 8x प्लस 2 कितना है, तो आप इनको करके बताओ ये कितना होगा, 8 इंटू एक्स, एक्स कितना है 36, तो कितना आया, 8 6 अब 48 प्लस 4 28, तो आपका पहला नंबर आ गया 288। दूसरा नंबर क्या आएगा, इसको मैं पहले सॉल्व कर लेती हूँ, 8x प्लस 8 ये होगा 8 इंटू एक्स 8x 8 इंटू 1 8, तो आएगा 8 इंटू 36 प्लस 8, 8 इंटू 36 कितना होगा 288 प्लस 8 करूंगी तो कितना आएगा मेरे पास आंसर, मेरे पास आंसर आएगा 296। फिर तीसरा जो मल्टीपल है उसका कितना आएगा, 8x प्लस 16, तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 36 प्लस 16, 8 इंटू 36 आएगा 288 प्लस कर दूंगी 16, तो कितना आ जाएगा, प्लस करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 304। तो मेरे पास तीन कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 क्या है, 288, 296, 304। बच्चों यहाँ पे एक चीज समझने वाली क्या है, कि अगर यहाँ पे अपने को क्वेश्चन बोलता फाइंड द इंटीजर्स, इंटीजर पूछता ना, तो आप x x प्लस 1 और x प्लस 2 ही लेते लास्ट में, ये 8 नहीं लेते। यहाँ पे अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द मल्टीपल्स, मल्टीपल्स पूछा है तो हम उनको मल्टीप्लाई करके ही साथ में लेंगे। तो बच्चों आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4 दे ऐड अप टू 74। फाइंड दिस नंबर,
कुछ भी नहीं बोला इसमें, वापस आपको क्या बोला है, तीन कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं। तो तीन कंसेक्यूटिव नंबर क्या होंगे, आपने क्या लिखना है, लेट द थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स बी, थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स बी क्या क्या होंगे, एक्स एक्स प्लस वन और x प्लस टू, यही बोला है हमने को। अब आगे आपको क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप आगे क्या कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि अगर आप इन नंबर को पहले को टू से फिर थ्री को और फोर से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब टू को x से प्लस थ्री को करोगे x प्लस वन से और फोर को करोगे x प्लस टू से, और उनका जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 80 किसके इक्वल होगा, 74 के। एक बार वापिस समझना, आप बोलोगे मैम उसमें तो हमने 8 को ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया था, तो आप चाहो तो 2 3 4 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको क्या बोलना है कि जब आप इन नंबर्स को 2 3 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका और ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 74। और लास्ट में आपको क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स एंड इंटीजर्स, तो आप ये वैल्यू पुट करोगे जो लास्ट में अपने वैल्यू निकालेंगे, ये मल्टीपल करके नहीं करोगे, ठीक है बच्चों। आइए अभी सॉल्व करते हैं, 2x का 2x, अब ये 3 दोनों के साथ है तो 3 * x 3x और 3 * 3, यहां पे 4 * x 4x और 4 * 8 इक्वल्स टू कितना आएगा, 74। तो यहां पर दिक्कत नहीं है बच्चों, वापस ऐड करते हैं, 2 और 3 5, 5 और 4 9x प्लस 8 और 3 11 इक्वल्स टू 74। प्लस का 11 इधर आएगा तो आप क्या लिखोगे, बाय ट्रांसपोर्टेशन, प्लस का 11 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 74 माइनस 11 तो 9x इक्वल्स टू कितना आएगा, 63। ये 9 मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। सो आपने को क्या पूछा था कि x कितना है, x प्लस 1 कितना है और x प्लस 2 कितना है, तो आप क्या बोलोगे, x है 7, x प्लस 1 है 8 और x प्लस 2 है हमारा 9। तो इस तरह से बच्चों हमने हमारे तीन जो नंबर्स थे वो निकाल लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। आपको एज दी गई है ना, तो आप क्या लिखोगे, लेट द एज बी एक्स। आपको क्या बोला है, जो एज है ना वो एक्स है और किस रेशियो में दे रखी है आपको एज, 5:7 में, तो आप क्या लिख सकते हो, एज ऑफ राहुल है क्या, एज ऑफ राहुल एंड अरुण, राहुल रेशियो एज ऑफ अरुण, रेशियो में दे रखी है तो अपने भी इसी में लिख लेते हैं, कितनी है, 5:7। यहां मैं क्या लिख सकती हूँ, 5x:7x। यहां तक बच्चों दिक्कत नहीं है, आगे हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे इसको पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि 4 इयर्स लेटर, 4 साल बाद, अब जैसे आपको बोला है आप 4 साल बाद, ये 4 साल बाद क्या होगा, अगर आप अभी 20 की हो 4 साल बाद कितने की हो जाओगे, 24 ना, तो वैसे ही क्या बोला है, 4 साल बाद जब इनकी एज का प्लस करोगे ना तो ये दोनों कितने के हो जाएंगे, 56। वापस देखो क्या बोला है, चार पहले 4 साल बाद तो 5x है, 4 साल बाद और 4 साल बड़ा हो जाएगा, अगर अभी 20 का तो बाद में कितने का हो जाएगा, 24 का, 20 का थोड़ी ना रहेगा, और ये है हरुण वो भी क्या हो जाएगा, 4 साल बाद बड़ा हो जाएगा। फिर क्या बोला है, इन दोनों की एज को जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 56 इयर्स। समझ में आया बच्चों आपको क्या क्वेश्चन दिया था, वापस समझते हैं कि जो एज थी राहुल और हरुण की वो किस रेशियो में दे रखी थी, 5:7 के रेशियो में, ठीक है, हमने लिख दिया 5x और 7x। अब क्या बोला, 4 साल बाद, तो अभी 5x है, 4 साल बाद प्लस 4 हो जाएगा और ये भी प्लस 4 हो जाएगा, तो बोला जब आप इन दोनों के रेशियो को प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 56 ईयर।
और जैसे आप यहाँ माइनस का लाओगे यहाँ पे क्या लिखोगे बाय ट्रांसपोर्टेशन यही आएगा। आगे 12x इक्वल्स टू कितना बचेगा 48, x इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो कितना आएगा 4 इयर्स यही आएगा ना 4 इयर्स। आपने को क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट आर द प्रेजेंट एज अभी की क्या एज है उनकी तो प्रेजेंट एज आप लिखो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल और फिर वापस लिखना प्रेजेंट एज ऑफ हरुण तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी है 5x और इसकी है 7x तो 5 × 4 = 20 और 7 × 4 = 28 ईयर्स। समझ में आया बच्चों तो इस तरह से हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को भी कर लिया है। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हो गया बच्चों तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए बच्चों तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें क्या बोला है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन रेशियो ऑफ 7:5 तो मैंने लिख लिया है लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी x। ये हम क्या मान रहे हैं कि जो बॉयज और गर्ल्स हो क्या है x और इनका जो रेशियो दिया गया है नंबर ऑफ बॉयज रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 7:5 यहां मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं ना 7x = 5x। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज जो नंबर ऑफ बॉयज है क्या है 8 ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स से क्या बोला है। अगर आप ये लाइन लिखना मत मैं समझाने के लिए लिख रही हूं मैं ठीक है नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स ये लाइन आपको लिखनी नहीं है बच्चों। तो आपको क्या हो रहा है नंबर ऑफ बॉयज तो ये कितने हैं 7x इसका मतलब इक्वल्स टू 8 का मतलब 8 मोर देन का मतलब होता है प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स 5x। समझ में आया क्या हो रहा है जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 8 ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स से तो कैसे लिखेंगे 7x = 8 + 5x कोई दिक्कत नहीं है प्लस का 5x उधर चला जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का बाय ट्रांसपोर्टेशन लिख दो बाय ट्रांसपोर्टेशन इक्वल्स टू में आ जाएगा 8 तो 2x = 8 तो x = कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। जबकि अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ क्लास में टोटल स्ट्रेंथ या टोटल बच्चे हैं कितने तो आप क्या करो नंबर ऑफ बॉयज निकालो और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालो और उसको क्या कर दो प्लस तो हमारे पास क्या आ जाएगी क्लास की टोटल स्ट्रेंथ। समझ में आया बच्चों तो क्या है नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7x तो 7 × 4 तो बॉयज है हमारे 28 गर्ल्स कितनी है 5x 5 × 4 = 20 तो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है हमारी 48। समझ में आया बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों आप यहाँ का एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए तो हमने अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप समझ के रफ कॉपी में करने के बाद अपनी कॉपी में